ठीक है, 2011 से पहले का अगर मैं आपको बताऊं तो WHO की रिसर्च हुई, उसमें देखा गया कि 70% 70% कैंसर जो है, सॉरी, लेडीज में जो 70% जनसंख्या है वो डायोक्सिन कैंसर की वजह से है। तो ध्यान गया कि लेडीज ऐसा क्या यूज कर रही हैं जो जेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम खाना खाने की बात करें, पहली बात तो डायोक्सिन खाने की चीज नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अगर खाने से रिएक्ट करके या कैसे भी अगर बन भी रहा होगा 0.001%, तो लड़कियां ऐसा तो होती नहीं अपने लिए अलग खाना बनाए और आदमियों के लिए अलग बनाए, राइट? तो खाना तो वजह नहीं हो सकता। उसके बाद ध्यान गया कि कॉस्मेटिक्स पे, कॉस्मेटिक्स तो लेडीज यूज करते हैं, आदमी नहीं यूज करते हैं। तो कॉस्मेटिक में जैसे हमने लिप्स पे लिपस्टिक लगाया, तो ये तो स्किन ही है, तो इससे भी अब्जॉर्ब होता है। आपने आईलाइनर, मस्कारा, काजल जो भी लगाया, तो हमारी स्किन भी अब्जॉर्ब करती है, राइट? तो ये चीजें कहीं से भी जा सकती हैं। डायोक्सिन अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है और वो आपके स्किन के टच में है तो उससे जा सकता है, क्योंकि स्किन भी सांस लेती है, यू ऑल एवरीवन नो, राइट? तो ध्यान गया कॉस्मेटिक्स पे। तो रोड साइड कॉस्मेटिक, लोकल कॉस्मेटिक, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, प्रीमियम, सबको टेस्ट किया गया, तो किसी भी कॉस्मेटिक के अंदर डायोक्सिन नहीं मिला, राइट? उसके बाद ध्यान गया कि सिर्फ फीमेल डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो सैनिटरी पैड यूज करता है, मेल नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ यूज्ड सैनिटरी पैड्स, कुछ अनयूज्ड सैनिटरी पैड्स को चेक किया गया कि उनके अंदर तो नहीं है। तो कुछ सैनिटरी पैड ऐसे पाए गए जो यूज्ड में, यानी कि उसमें अनयूज्ड में तो डायोक्सिन नहीं था पर यूज्ड में था। ठीक है, कुछ सैनिटरी पैड ऐसे थे जिनके अनयूज्ड में ही डायोक्सिन था। तो क्या, जब ये सारी चीजें सामने आई तो उन नौ जो भी ऐसे ब्रांड थे जिनमें डायोक्सिन था उनको तो ऑन द स्पॉट बैन करने के लिए बोला गया। अब अमेरिका और जो भी अच्छी अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सब में उसको डायरेक्टली बैन किया गया, राइट? अब चेक किया गया, अब इतना सारा स्टॉक बना पड़ा है, राइट? तो देखा गया कि अब इसको क्या किया जाए। तो अभी क्या है ना कि चाइना तो अपनी कंट्री में किसी भी कंट्री को बिजनेस करने के लिए घुसने नहीं देती है, तो कुछ और कंट्रीज भी इसमें शामिल थी, उसमें हमारा इंडिया भी एक था, राइट? तो उसमें इंडिया ने क्या किया, तो सारा प्रोडक्ट कहाँ पर आकर आया, इंडिया में, राइट? तो इतनी सारी मूवीज बन गई, पैडमैन बन गई, अक्षय कुमार ने भी मूवी बना दी, बहुत सारी मुहिम चलाई गई, सैनिटरी पैड यूज करो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ऑफिसेज में और आपका स्कूल में फ्री में सैनिटरी पैड बांटा गया, राइट? तो सैनिटरी पैड बांटा गया, तो अभी क्या हुआ कि क्या होता क्या है ना, फार्मा का प्रॉब्लम क्या है कि पहले बीमार कर दो फिर बाद में तो हमारे पास ही आएंगे। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, राइट? तो अभी हम चेक करेंगे जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, और जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ उसके अंदर क्या वाकई ऐसा कुछ डिफरेंस है जिस जो मैंने इतना क्लेम किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे किसी दूसरे सैनिटरी पैड से सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं, आज हम ये देखेंगे, राइट? अभी मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी पैड हैं, ठीक है? तो मैं सबसे अच्छा सैनिटरी पैड जो सबकी जबान पे रहता है कि भाई मैम हम तो विस्पर यूज करते हैं, ठीक है, मैं आज आपको विस्पर के साथ में दिखाऊंगी। आप लोग जो भी सैनिटरी पैड यूज करते हैं, चाहे वो मार्केट से ले रहे हो, चाहे किसी प्रीमियम ब्रांड से ले रहे हो, या किसी भी एसोसिएशन से ले रहे हो, कहीं से भी आपको मिला हो कि जी ये सैनिटरी पैड अच्छा है, सो मार्केट में इतने सारे सैनिटरी पैड हैं, तो आपको जो भी सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं ना, आप अगर आप विस्पर यूज कर रहे हैं तो आप मेरे सामने ही देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप विस्पर से अच्छा या विस्पर से कोई कम अच्छा सैनिटरी पैड यूज आप कर रहे हैं तो आप उस वाले सैनिटरी पैड के साथ वही कीजिएगा जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मेरी ट्रे सबको दिख रही है, ठीक है? अभी हम एक छोटी सी बात और करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, सैनिटरी पैड बिकता तो मेडिकल स्टोर पे है, ठीक है? तो वैसे तो ये मेडिकल स्टोर पे बिकता है, बट ये रजिस्टर्ड किस में, लाइफ स्टाइल की कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। तो आप में से कोई सोच सकता था कि यार अगर इस सैनिटरी पैड के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो इसको पकड़ा क्यों नहीं गया, इसको चेक क्यों नहीं किया गया, या कोई भी XYZ जो है चीज है, बट इंडिया है, लाइसेंसिंग लेने के लिए सब कुछ करता है ना? अगर इतना ही कुछ होता तो इतने सारे पुल गिरे हैं, टूटे हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है, वो सब नहीं होता। तो मैं उस चीज में नहीं जाऊंगी कि इधर तो क्या क्या होता है, राइट? तो
ये बिकता मेडिकल स्टोर पे है, बट इसकी जो कैटेगरी जो जिसमें ये रजिस्टर्ड है वो है लाइफस्टाइल कैटेगरी, तो इस पे उतना जांच होगा नहीं कि ये इसके अंदर क्या है कैसा है, तो इसलिए लोग बच के निकल जाते हैं राइट। WHO के पैरामीटर्स पे कि कैसा सैनिटरी पैड होना चाहिए इंडिया में आज भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो WHO के पैटर्न पे कैसा सैनिटरी पैड बनना चाहिए वो मैं आज आपको एक दिखाऊंगी, आपको इससे बेहतर कोई मिले तो आप उस बेहतर के साथ जो मैं आज दिखाने वाली उसके साथ कीजिएगा, तो जो आपको बेस्ट लगे आप वो यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग सैनिटरी पैड लेने गए किसी भी मेडिकल स्टोर पे, तो जितना जल्दी मेरे को सैनिटरी पैड लेने की, जैसे आपने किसी को बोला, किसी भी शॉपकीपर को बोला कि मेरे को सैनिटरी पैड चाहिए, उसको इतनी जल्दी होती है आपको देने की, उसको खटाक से निकाला, काले पिन्नी में रखा, उसको उसको उतनी जल्दी नहीं है देने की, उससे ज़्यादा जल्दी मेरे को होती लेने की, ऐसे दबाया और चल दी। कोई ऐसा है जो सैनिटरी पैड का ऐसा पैकेट ले और उसको यूं पकड़ के घुमाते हुए लाता हो? नहीं ना, एकदम छुपा के लाते हैं, पता नहीं क्या कुछ लेकर जा रहे हैं कि किसी को नुकसान हो जाएगा राइट। तो हम ये सैनिटरी पैड लेकर के आए, ठीक है। तो क्यों इसको शर्म के साथ, शर्म के मुद्दे के साथ जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया इसके साथ में, कि अगर आप पिज्जा खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा खाते हैं उसका जिक्र करते हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऊपर आएंगे राइट। तो इस वा इसको शर्म के साथ क्यों जोड़ा गया, अगर आप इसको शर्म के साथ जोड़ेंगे लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो इसके प्लस और माइनस नहीं आएंगे। आप कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं, कुछ भी, मान लिया आपने लैपटॉप लिया, फोन लिया, कपड़ा लिया, कहीं से शॉपिंग करी, कहीं खाना खाने गए, तो आप अपडेट डालते हैं ना, अरे मैं वहां गई थी बड़ा अच्छा था। कोई आपसे पूछे या ना पूछे आप खुद ही बता देते हैं, अरे हम लोग ना वहां गए थे बड़ा अच्छा कपड़ा मिलता है ना, तुम लोग भी ट्राई करना। तो क्या आप में से आज से पहले जो आज पहली बार देख रहे हैं ये, या जब जिन लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो आज पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों ने कभी बैठे हो, चार लोग बैठे हो, सहेलियां या कोई भी, या आपके फ्रेंड्स भी, आपने कभी ये डिस्कस किया है कि मैं ये वाला सैनिटरी पैड यूज करती हूँ, मेरे को इस वाले से ये प्रॉब्लम्स होते हैं? किसी ने किया है तो प्लीज हैंड रेज करेगा, जिन लोगों ने पहले हैंड रेज करा था सारे लोग हैंड्स डाउन करेंगे, और अगर किसी ने ऐसा कोई जिक्र आपस में अभी तक किया है कि हाँ बस सैनिटरी पैड से कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हैंड रेज करेगा। आर्या मैम, नाजिया मैम, नाजिया मैम प्लीज अनम्यूट करिए, मैं आपको, Can you just repeat? मैं पूछ रही हूँ कि आपने कभी, आप सैनिटरी पे आप पहली बार देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है इसका? अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए। Is done. You can hear me now. यस Okay. I'm seeing for the first time. ओके Okay, but I just wanted a repeat of question from you. यस मैं ये पूछ रही हूँ, क्या आप लव जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठती हैं तो आपने कभी सैनिटरी पैड के बारे में बात की है कि मेरे को पीरियड्स में ये प्रॉब्लम होती है, मेरे सैनिटरी पैड में ये वाले इश्यूज हैं, ऐसा कुछ जिक्र किया है आपने? हाँ, वी डिस्कस विथ आर नॉट फ्रेंड्स, मे बी विथ माई सिस्टर्स एंड आई यूज टू यूज विस्पर बिफोर, बट सिंस आई हैड सम इशूज आई स्टॉप यूजिंग एंड आई टोल्ड हर टू इम्पोर्ट फ्रॉम दुबई फॉर मी, बिकॉज वॉट आई एम इम्पोर्टिंग इज ऑफ क्लॉथ, देर इज नो प्लास्टिक इन दैट. ओके, सो माई सिस्टर सेंड्स इट फ्रॉम दुबई, और वेन शी कम्स शी ब्रिंग्स इट टूगेदर. सो I found that there was some issue because I was facing some issues, our sisters and all. तो हम लोग पहले कपड़ा यूज करते थे, तो अब जैसे जैसे we started going to offices and college and ये सब, तो it was not a full day college रहता था, full day office is not possible to use the कपड़ा. So we started using this whisper and other products. But lately, like after the birth of the child and everything, we started discussing on these things, because after the birth is sometimes the issue starts after the birth for some women, or sometimes it will be before the birth. तो करेक्ट हम लोग जैसे डिस्कस करने हमको पता चला कि इसमें कुछ इश्यू है, तो दैट इज व्हेन आई स्टॉप यूजिंग विस्पर एंड द व्हाट एवर आई यूज्ड टू यूज एंड आई स्टार्टेड इम्पोर्टिंग. सो उस ओके, इम्पोर्टेड में कुछ आपने फेस किया हो? नो आई डोंट फेस एनीथिंग देयर. तो ठीक है, तो आज जो मैं एक ऑपरेशन करूंगी इस पे भी, और जो मेरे पास में सैनिटरी पैड है उस पे भी, तो आप उसको ना अपने वाले इम्पोर्टेड कपड़े पे यूज करना, ठीक है। तो इफ इट इज बेटर देन दिस देन यू शुड गो विद दैट, यू शुड बी विद दैट, इफ इट इज नॉट गुड देन यू शुड स्विच दिस, और एक बार तो ट्राई करना बनता है।
करेक्ट। हाँ मैं बोली हूँ एक्चुअली, आई हैड अ टॉक विद फ्यू ऑफ माय टीममेट्स, आई वांटेड इट सही, वही आपने वही बोला जॉइन ना सॉरी कि मैंने अपनी बहनों से डिस्कस किया है बट नॉट विद फ्रेंड्स, बिकॉज इसको शर्म के साथ जोड़ा कहीं ना कहीं, राइट? तो इसको इसीलिए जोड़ा, ना तो इसका जिक्र आएगा ना इसके प्लस माइनस बाहर आएंगे, ये मैं आपको समझाना चाहती थी बस, ठीक है? हाँ ओके, थैंक यू मैम, या थैंक्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या तो मोमेंट आ हम लोग ये सैनिटरीपैड लेकर के आए, एक तो ये प्लास्टिक की पैकिंग में आता है, इसको मैंने खोला, इसमें से मैंने एक सैनिटरीपैड निकाला, तो कोई भी ऐसा है जो इसको मतलब एयर टाइट टेप लगा के रखता हो या थ्रेडिंग करके रखता हो? अगर कोई रखता है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं रखता है तो मतलब मोस्टली तो नहीं रखते, मैं भी नहीं रखती थी जब तक मुझे नहीं पता था, मैं भी ज्यादा से ज्यादा इतना रैप करके और ऐसे करके रख देती थी, तो ये तो कभी ना कभी अनरैप हो ही जाएगा। जब मेरे को नहीं पता था तो मैं भी ऐसे ही करती थी, जब से मुझे पता चला तो मैंने इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करा, आप लोग भी कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? तो मैंने इसमें से एक सैनिटरी पैड निकाला, ठीक है? एक तो ये प्लास्टिक है, जब ये मेरा पूरा पैकेट खत्म हो जाएगा, नाउ आई एम हैविंग फ्यू मोर प्रोडक्ट्स हियर, आई डोंट यूज दिस स्टिल, आई एम शोइंग यू कि जब मैं पहले यूज करती थी तो ऐसे ही बड़ा पैकेट लाती थी, कौन झंझट में पड़ेगा रोज रोज लाने के लिए, राइट? तो हमने लिया, इसको खोला और ये प्लास्टिक है, जब मैं इसको एनवायरमेंट में डालूंगी तो मैं भी अपने एनवायरमेंट को खराब करने में एक छोटा सा योगदान दे रही हूँ, तो मैं तो नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है? तो इसमें से मैंने एक सैनिटरी पैड निकाला, ठीक है? तो जो जो लोग वर्किंग है, स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, कॉलेज में जाती हैं, ऑफिसेज में जाती हैं, वो सिर्फ ये एक सैनिटरी पैड लेकर के जाती है, ठीक है? तो कोई कोई तो क्या करता है, सिर्फ इसी को ऐसे बैग में रख लेता है, और हम लड़कियों का बैग ऐसा होता है या तो खरीदा जाता है या तो फेंका जाता है, धोने वाले बैग तो बहुत ही कम लोग लेते हैं, तो उसके अंदर आपने अपना टिफिन भी रखा हुआ है, अगर कोई मेरे जैसी लेडी है जिसका बच्चा छोटा है उसका डायपर भी रखा हुआ है, अगर खराब गंदा हो गया तो उसको आप कहीं बाहर फेंक नहीं पाए, तो आपने एक छोटे से पॉली बैग में डाल के रख लिया, स्टिल स्टिंकिंग तो था ही ना, वो गंदा तो था ही ना, वो मेरे बैग में तो गया ना, राइट? तो बैक्टीरिया तो डालेगा वो, तो लड़कियों के बैग में बहुत सारा गंदा होता है, अगर आप चेक करो ना भाई साहब, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया उसके बैग में मिलेगा, राइट? तो इसको हम ज्यादा एक आप इसको लेकर गए, एक तो ये पूरा का पूरा ओपन है, जब आप इसको 2 या 3 दिन बाद भी यूज करेंगे तो इट इज नॉट फॉर यूजेबल, ठीक है? ओपन है। नंबर टू, अगर कोई इसको सिर्फ अगर एक कागज में भी रखता है तो अगेन उसको थ्रेडिंग करके या टेपिंग करके नहीं रखता, आई मीन टू से एयर टाइट नहीं रखता, ठीक है? ये एक मैंने सैनिटरी पैड लिया, ठीक है, मैंने इसको खोला, इसको मैंने ट्रे पे लगाया, एक सेकंड देना प्लीज। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे सैनिटरी पैड की। सविता जी, सॉरी टू डिस्टर्ब। यस अगर मैम, यहाँ जितने लोग हैं ना, उनके पास सैनिटरी नैपकिन्स हैं, तो जैसे जैसे आप लेयर्स निकालते हो, वैसे वैसे अगर वो भी करेंगे तो उनको भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। वी आर तो रिकॉर्डिंग दिस, एक्चुअली मैं ये इसलिए अलाउ नहीं करना चाहती हूँ, अगर मान लिया उनका कोई स्टेप मिस हो गया तो हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव न्यू गेस्ट ऑल्सो, ठीक है? हाँ, वी आर लेट देम रिकॉर्डिंग म्यूट, इट, लेट आप देम लोग म्यूट इसको एंड चेक लेट देम करना। सी। हाँ, इंटरप्ट नहीं करना है, बट लेट देम सी, क्योंकि आप जो कर रहे हो प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। आप देख नहीं, लो कैसे करना है। यू आर राइट, बट अगर मान लिया उनका कोई स्टेप मिस हो गया मैम, एक तो सब लोगों को सामान कलेक्ट करने में प्रॉब्लम, नंबर वन, नंबर टू अगर उनका कोई स्टेप मिस हो गया तो हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? ये प्रॉब्लम है, ठीक है? सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो सॉरी, अभी मैं दूसरे वाले सैनिटरी पैड की बात करती हूँ, दिख रहा है ना सबको? तो ये वाला सैनिटरी पैड है टीएंस ब्रांड का, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन सैनिटरी पैड, ठीक है? ये वाले सैनिटरी पैड को ना यहाँ से खोला जाता है, ये फाड़ा नहीं जाता, इसको खोला जाता है, और ये सिल्वर, वो वाला सैनिटरी पैड आपने देखा था प्लास्टिक की पैकिंग में, ये सिल्वर फॉइल की पैकिंग में, जिसमें आप लोग अपना खाना पैक करते हैं, खाना एकदम सेफ एंड सिक्योर रहता है। इसमें से भी मैंने एक सैनिटरी पैड निकाला, ठीक है, और मैं इसको वापस से एयर टाइट कर सकती, मेरे साथ में मैंने एक गेस्ट को बुलाया, मैम आप यहाँ आ जाइए।
आप इसको मुझे देख करके बताइए क्या ये वापस पैक हो गया कि नहीं। हो गया। ठीक है, थोड़ा तेज बोलेंगे। इन्होंने बताया ये पैक हो गया। पैक हो गया मैम। ठीक है जी, ये पैक हो गया, राइट। तो ये मैंने वापस रख दिया। अब मैंने इसमें से एक सैनिटरी पैड लिया, ये पूरी तरह से एयर टाइट है, ये कहीं से भी ये खुल नहीं रहा है। ये मैम भी कंफर्म करेंगी। मैम ये खुल रहा है कि बंद है? बंद बंद है। थोड़ा तेज बोलेंगी प्लीज। बंद है ये, बंद है मैम। बंद है। ठीक है, हमने ये वाला सैनिटरी पैड भी खोला, इसका भी मैंने लेयर निकाला और इसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अभी मैं एक दूसरा अपना स्पॉटलाइट करती हूँ। आप सब लोगों को ना ये दूसरे वाले जो को होस्ट है, एक मिनट मैं देखती हूँ अगर कर पाऊंगी तो। मैं दूसरे वाले अपने उससे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि इसमें आपको विस्पर वाले सैनिटरी पैड में एक ब्लू कलर कलर दिख रहा होगा, सब लोग देख पा रहे हैं। दूसरी स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज। मैं एक और सविता चौहान के नाम से ज्वाइन हूँ, उस पर जा करके टैप करके देखना। सिर्फ इतना देखना है आपको कि वो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है कि नहीं। को होस्ट मुझे प्लीज कंफर्म करेंगे देख पा रहे हैं कि यस नहीं। मैम, दिख रहा है, दिख रही है मैम, दिख रही है। जिसने नहीं देखी है वो प्लीज हैंड प्रेस करे, हम लोग ये दिखाना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा है जिस जो नहीं देख पा रहा? कोई ऐसा है जो नहीं देख पा रहा ये ब्लू कलर की लाइन? हैंड रेस करेगा अगर कोई नहीं देख पा रहा तो, अदरवाइज मैं समझूंगी आप सबने देख लिया। नहीं दिख रहा है मैम। ब्लू कलर की लाइन नहीं दिख रही आपको? दूसरे मैम वाले स्क्रॉल मेरे करिए, स्क्रॉल करिए, नीचे देखिए, सविता चौहान जी की दूसरी आईडी है, उस पे हाँ आपको जी ये दूसरी दिखेगा। आईडी पे देखना प्लीज। तो दिखाई दीजिए दूसरी आईडी पे ब्लू कलर की। चेक कीजिए, अभी मैंने स्पॉटलाइट किया, दिख रहा है? सकीना मैम दिख रहा है? या आई कैन सी नाउ। यस। या प्लीज एवरीवन, मैंने स्पॉटलाइट किया, जल्दी से देख लो, देन विल स्टार्ट। तो इस वाले विस्पर वाले सैनिटरी पैड में एक ब्लू कलर सा लगा हुआ है, वी विल सी ये ब्लू कलर क्यों है। और इस वाले सैनिटरी पैड में ग्रीन कलर का चिप है, सो वी विल सी व्हाई दिस टू आर हियर। ठीक है, तो अभी मैं ये स्पॉटलाइट बंद करती हूँ। अभी मेरा मेन स्क्रीन आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ठीक है जी। अभी मेरे साथ में जो गेस्ट है वो चेक करके बताएंगी। एक्चुअली आपको अपने गेस्ट से ना वहां पर पूछना है कि अब मैंने आपके सामने दोनों सैनिटरी पैड रखा, आगे वाली स्किन तो हमारी थोड़ी हार्ड होती है, पीछे वाली स्किन से उनको बोलिए इसको अच्छे से रब करिए और देखिए आपको कौन सा सॉफ्ट लग रहा है। मैम चेक कीजिए दोनों दोनों हाथों से, अच्छे से रब कीजिए और बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे आप आपको कौन सा सॉफ्ट लग रहा है। ये मैम ने वाला बोला ये वाला, और ये है हमारा विस्पर का, सॉरी एरीज का सैनिटरी पैड, और ये हमारा विस्पर का सैनिटरी पैड। ओके, उसके बाद आप अपने गेस्ट को बोलेंगे कि हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि इसमें इसकी सॉफ्टनेस कैसी है, अब हम चेक करेंगे कि इसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कैसी है। ठीक है, तो आप उनको बोलेंगे कि एक हेल्दी हेल्दी पीरियड जो होता है वो होना चाहिए 30 से ज्यादा और 50 से कम। 30 to 50 के बीच में एक हेल्दी पीरियड होता है। अगर किसी का 30 से कम है या 50 से ज्यादा है तो वो हेल्दी नहीं है। पीरियड्स का कम होना और पीरियड्स का ज्यादा होना दोनों ही बेकार है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप इस तरह से पहचान पाएंगे खुद को कि आपका पीरियड कम आ रहा है या आपका पीरियड ज्यादा आ रहा है, और उसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? सैनिटरी पैड से। ठीक है, तो मैं अभी इसमें पानी डाल रही हूँ। मैंने इसमें 60 ml पानी लिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो मेरे साथ गेस्ट हैं ये कंफर्म करेंगे। मैम ये 60 ml पानी है। जी
ठीक है, मैं इसको सबसे पहले मार्केट वाले सैनिटरी पैड पे डालती हूँ, विस्पर पे, ताकि इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करने का मौका मिल जाए। अभी सेम 60 ml पानी मैंने लिया है मैम, जी सेम 60 ml पानी मैंने लिया है, इसको मैं डालूंगी एरीज स्मार्ट सैनिटरी पैड पे। अभी सिखाने में हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसको, जब आप एकदम यूज टू हो जाएंगे। अगर मेरे को ये डेमो सिर्फ गेस्ट के सामने करना होता तो मैं 20 मिनट में कर देती, राइट? तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी? तो अभी फिर आप अपने गेस्ट को क्या बोलेंगे कि मैम अब आप ना दोनों सैनिटरी पैड को टच करके देख के बताइए मुझे कि कौन सा आपको गीला लग रहा है, ठीक है? तो जैसे मैं अपने गेस्ट को बोल रही हूँ, मैम मुझे टच करके बताइए कौन, एक हाथ पे ये रखना, एक पे ये, अच्छे से प्रेस कीजिएगा, ये और वाला ऐसे गीला है, कैमरा, ये वाला गीला है, जिसके ऐसे साथ कैमरा में करके दिखाइए। ये देखिए, ये इनका आप हाथ गीला देख पा रहे होंगे, ये वाले में बिल्कुल गीलापन नहीं है, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप टिश्यू पेपर से दिखा सकते हैं, ठीक है? तो आपको आपको दिखाना है इस तरह से करके, देखिए मैम ये जी गीला है, इसमें से पानी भी टपक रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे, कैमरे पे भी दिख रहा है, इतना भी कम नहीं है, ठीक है? और ये बिल्कुल सूखा है। तो आप अपने गेस्ट से पूछेंगे कि क्या आपने पीरियड्स में इतना सूखा कभी महसूस किया है? तो आपके पीरियड्स में होने वाली जो पहली प्रॉब्लम है वो है गीला गीला लगना। तो आपकी आज पहली वाली प्रॉब्लम ठीक हुई, ठीक है? इस तरह से आप बात करेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे कि ठीक है ये गीलापन आपका ठीक हो, अभी हम बात करेंगे बाकी चीजों की। अब ये वाला जो सैनिटरी पैड है विस्पर वाला, अब मैं इसको ना फाड़ के देखूंगी कि इसके अंदर क्या मटेरियल यूज किया गया है, ठीक है जी? मैंने एक बार मैम को एहसास कराया था कि जब ये सूखा था पहली वाली लेयर तो वो कैसी थी, वो गीला होने के बाद में इस वाली लेयर का क्या हाल। देखिए, एक तो ये फाड़ते फाड़ते ही मतलब इतना तो बेकार है कि ये आप इसको अच्छे से फाड़ भी नहीं पाते, और आप लोगों से पूछ भी सकते हैं जो लोग विस्पर यूज करते हैं कि उनका सैनिटरी पैड जब उन्होंने यूज किया होता है तो वो बीच में ही जगह जगह से फट भी जाता है। मेरे को कई सारे लोगों ने ये कंफर्म किया, आप भी अपने जहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपने कभी फील किया है कि वो सैनिटरी पैड बीच में से ही फट गया, अब इसको निकालते निकालते फट गया, वैसे ही फट गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सैनिटरी पैड को ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको इसके फर्स्ट लेयर को फोल्ड करेंगे और अपने गेस्ट के पास में उनको बोलेंगे कि अभी ये आपको कैसा लग रहा है मैम, कैसा लग रहा है, ये तो थोड़ा बन रहा है ऐसे ठीक है? स्टेप तो आप कौन सा पैड यूज करते हैं, स्टेफ्री करते हैं, तो आप स्टेफ्री के साथ वही कीजिएगा जो आज मैंने किया है, ठीक है? तो अगर आप आपको उसमें इस तरह का खुरदरापन लगे या गीलापन लगे या आपको वो आपका पैड इससे बेटर है तो आप वो यूज कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये वाला पैड आपको बेटर लगता है तो आपकी मर्जी है, आपको इसको, मेरी रिकमेंडेशन है आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए, ठीक है जी? तो आपको मैम इस तरह से बच्चों अपने गेस्ट से पूछना है कि आपको ये कैसा लग रहा है, तो ही और शी विल कंफर्म कि मेरे को ये खुरदरा लग रहा है जैसे मैम ने बोला। आपको मैम की आवाज समझ में आई थी क्या? मैम थोड़ा हल्का धीरे बोलती है सारा। मैम आपको गेस्ट की आवाज आई थी क्या? नहीं आई, खुदरा मैम बताइए कैसा लग, खुदरापन लग रहा है। ठीक है? मैम ने बताया खुरदरापन लग रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे इस ब्लू कलर की, ये अब तो दिख रहा है, राइट? अभी क्लियर दिख रहा है। है ना मैम? तो ये ब्लू कलर किस लिए डाला गया है? अब इसको क्या है ना, दिस कुड बी डायोक्सिन, ठीक है? अब इस कलर की क्या जरूरत थी, ये डिजाइन बनाने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि जो इसको पहनता है वो भी नहीं देखता है, तो इस डिजाइन की जरूरत तो थी नहीं। बट क्या है कि इसमें डालना था, डायोक्सिन क्या होता है, गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा रखता है, तो इसलिए इसको डाला गया है। तो हमारा ब्लड कैसा होता है, गर्म होता है, आपको ज्यादा ज्यादा पीरियड्स होगा, ज्यादा ज्यादा सैनिटरी पैड आप यूज करेंगे उनकी अच्छी बिक्री होगी, राइट? तो ये, और जिन सैनिटरी पैड में ये डायोक्सिन नहीं डाला जाता उसमें डायोक्सिन बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को गंदा कपड़ा चुभते हुए, ठीक है? वो किस लिए चुभते हैं कि अगर आप नॉर्मल कपड़े को ब्लीच करो, गलाओगे, सड़ाओगे, ठीक है? क्योंकि हमको तो सैनिटरी पैड कैसा चाहिए, झक सफेद, ठीक है? और काला पीला तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो झक सफेद कैसे होगा,
ब्लीच से, राइट। तो हम लोग वो हमने देखा होगा कुछ लोगों को कपड़े वो चुथड़े चुभते हुए, तो वो क्या होता है कि वो उससे ही इतनी गंदी क्वालिटी का सैनिटरी पैड बनाया जाता है, ठीक है। आपको बोला जाता है, आपने एड में सुना होगा कि कॉटन ही सैनिटरी पैड, तो ये ना शब्दों का खेल है। कॉटन ही मतलब कॉटन जैसा, नॉट कॉटन, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मासी, माँ जैसी, नॉट माँ, राइट। मे बी मैंने गलत एग्जाम्पल ले लिया हो, आई एम सो सॉरी, बट यस, मतलब मेरा वर्ड का मीनिंग समझाने का मतलब था कि कॉटन ही नॉट कॉटन, मासी मतलब माँ जैसी, नॉट माँ, राइट। तो ये उसके लिए है, तो हम लोग को क्या लगता है ये तो कॉटन है, ठीक है। अब ये वाला सैनिटरी पैड सबसे महंगा है मार्केट में, जो लोग भी मार्केट वाला सैनिटरी पैड यूज करते हैं ना, ये सबके मुंह पे ये वाला ब्रांड रहता है, विस्पर। और ये वाला सैनिटरी पैड जो है ये एक पीस 12 रुपए का पड़ता है, ठीक है। अब आप अपने गेस्ट से पूछेंगे कि आपने कभी रुमाल खरीदा होगा, राइट, तो एक रुमाल कितने रुपए का आता है? तो कोई गेस्ट अगर इसमें है तो मुझे बताए कि एक रुमाल, अच्छा रुमाल जिससे आप फेस साफ कर सकते हैं, कितने रुपए का आता है? कोई गेस्ट है तो हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करूंगी। क्या हमारे पास कोई गेस्ट नहीं है आज? बट बोलो है ना आप कोई चीज लाइए अल्पना मैम, अल्पना लाइए मैम, चलिए कोई बात नहीं। चल आपको ना अपने गेस्ट से पूछना है कि चलो मैं अपने से पूछ लेती हूँ, आप लोगों से क्यों पूछूं। मैम आपने एक ढंग का रुमाल कॉटन का जिससे आप फेस वॉश कर सकते हैं, कितने रुपए तक आपने खरीदा बीस या 25 रुपए है ना? तो 20-25 का आपने एक रुमाल खरीदा। अगर आप उस रुमाल को फोल्ड करके पीरियड्स में यूज करें तो क्या वो इतनी देर टिक जाएगा जितनी देर ये विस्पर का टिक रहा है या पेस्टेफ्री टिक रहा है? नहीं, थोड़ा देर बोलिए, ठीक है, नहीं टिक रहा। मैम ने बोला वो 20 रुपए का रुमाल पीरियड्स में अगर ये फोल्ड करके उसको यूज करेंगी तो नहीं टिकेगा। तो मतलब 20 रुपए का रुमाल जो कॉटन का है, आपको सच में लगता है विस्पर में कॉटन है? ये तो आपको 12 रुपए का ही मिल रहा है, ऊपर से इसकी पैकेजिंग एडवर्टाइजमेंट है ना, जो लड़की पानी में कूदती है कि ये सारे स्विमिंग पूल के पानी को सोख लेगी, क्या वो चार्ज नहीं करती होगी एडवर्टाइजमेंट? इतनी सारी कॉस्टिंग के बाद आपको 12 रुपए का मिल रहा है, तो कॉटन तो नहीं है, राइट। कितने तो आपको इस तरह से अपने गेस्ट से बात करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी दूसरी लेयर की। इसमें बोला जाता है कि इसमें जेल है, और इसमें जेल एक्चुअली नहीं है, बस ये इतना सा जेल है। इसके अलावा वो जो मैं आपको बोल रही थी कि लोग कपड़े चुक करके ले जाते हैं, फिर उसको ब्लीच किया जाता है क्लोरीन से, तो जिन सैनिटरी पैड में नहीं होता है डायोक्सिन, उसमें बाद में रिएक्शन के बाद बन जाता है, तो ये कहीं से भी कॉटन नहीं है। आपने कभी कॉटन को गीला करके फाड़ा हो तो इस तरह से कॉटन कभी नहीं फटता। आपको इस तरह से अपने गेस्ट को बोलना है, ओके। उसके बाद आती है हमारी लास्ट लेयर जो कल्प्रिट है वाकई में, तो ये है आपकी प्लास्टिक। आप गेस्ट आपके सामने दिखा सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो इस तरह से उनको बता सकते हैं कि ये आपका प्लास्टिक का सैनिटरी पैड है। तो क्या होता है, हम लोग सैनिटरी पैड पहन लिया, उसके ऊपर से जीन्स या पजामा कुछ भी पहन लिया, उसके ऊपर से सूट ढक गया, तो ऑक्सीजन तो जाती नहीं है, राइट। तो सैनिटरी पैड में ऑक्सीजन ना, सैनिटरी पैड आपने पहना, ये सारी चीजें करने के बाद में ऑक्सीजन प्राइवेट पार्ट पे जाती ही नहीं है, तो पीरियड्स के दौरान किस किस ने बदबू महसूस करी है? आपको एक ये सवाल पूछना है, ठीक है। तो फिर आपको पूछना है कि आपने वो जो बदबू महसूस करी है वो आपको क्या लगता है वो काहे की बदबू है? तो कुछ लोग आपको बोलते पाए जाएंगे कि जी बदबू तो वो ब्लड की होती है, ठीक है। तो आपको उन्हें बताना है, अगर कोई बोले कि वो बदबू ब्लड की होती है तो आपको उनसे पूछना है कि जी पसीना तो आपका ये सारा, आपके जो माथे पे पसीना आ रहा है उसमें आपने कभी बदबू महसूस की? वो बोलेगा नहीं। आपको पूछना है आपके आर्मपिट के पसीने में आपने बदबू महसूस की? वो बोलेगा हाँ। जूते के पसीने में आपने बदबू महसूस की? वो बोलेगा हाँ। तो आपको पसीने से रिलेट करके उसको बताना, वो ब्लड भी बिल्कुल उतना ही प्योर है जितना मैं यहाँ से काट के निकालूं, तो उस ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस ब्लड में कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कोई बदबू नहीं आती है, बदबू होती है बैक्टीरिया की। फिर आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं, मान लिया आपने एक कमरा है वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, राइट,
तो वो बंद कमरा है तो उसमें बदबू आएगी, स्मेल आएगी, तो अगर आप वहां पर आए तो आप क्या करोगे, सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, है ना? तो आप सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हो, थोड़ी देर में वो स्मेल निकल जाती है, तो वो स्मेल बैक्टीरिया की होती है। तो वैसे ही इस वाले सैनिटरी पैड में जो मैंने आपको अभी दिखाया, इसमें जो लोगों ने बदबू फील करी है वो इसके वजह से करी, क्योंकि प्लास्टिक होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाता है, वैसे ही वो वाला एरिया ऑब्स्ट्रैक्ट है ऑक्सीजन से, ठीक है? तो इसलिए जो बदबू होती है वो उसकी होती है। तो ये वाले सैनिटरी पैड से आपको क्या क्या प्रॉब्लम रही, एक तो गीलापन लगने की प्रॉब्लम थी, ठीक है? नंबर दो, ये रैशेस दे रहा था। नंबर तीन, स्मेल आ रही थी। और आपने पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स को फेस किया होगा, आपने पीरियड्स के दौरान मसल मसल क्रैम्प्स, ये एब्डोमिनल क्रैम्प को फेस किया होगा, थाइज में पेन को फेस किया होगा, राइट? तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपने इस वाले सैनिटरी पैड की वजह से फेस किए होंगे। अभी हम चेक करेंगे कि क्या ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे दूसरे वाले सैनिटरी पैड से सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं, तो आज हम ये चेक करने के लिए बात करेंगे, राइट? अभी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल पूरा सूखा है, राइट? अगर आप ऑनलाइन ये डेमो कर रहे हैं तो आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास गेस्ट था तो मैंने इसलिए टिश्यू पेपर में रखना भूल गई, मेरे ध्यान नहीं रहा, मुझे रखना चाहिए था, ठीक है? बट आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है? तो हमने ये वाले सैनिटरी पैड को लिया, अब इसकी भी मैं फर्स्ट लेयर निकालूंगी, और फर्स्ट लेयर निकालने के बाद आपको उसे भी अपने गेस्ट के हाथ पे ऐसे रब करके दिखाना कि मैम अगर आप ये सैनिटरी पैड यूज करते हो तो आपको कभी इचिंग रैशेज होने का चांस होगा कि नहीं, ये बात आपको ना अपने गेस्ट से पूछनी है। आपने ये एक लेयर निकाला, ठीक है? पहले हम इसको इनसे पूछ लेते हैं। मैम आप पहले तो मुझे चेक करके बताइए सूखा है कि गीला है। सूखा है, ठीक है? अब आप इसको अपने हाथ पे अच्छे से रब कीजिए जितनी तेज कर सकते, क्या इससे आपको रैशेज हो सकते हैं? नहीं, ठीक है? बिल्कुल, आपको ये एकदम सॉफ्ट लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है? तो ये वाला मैम ने बताया, तो आप लोग भी अपने गेस्ट से इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है? ये कॉटन का सैनिटरी पैड है, इसका फर्स्ट लेयर कॉटन का, और इसके अंदर आप ना छोटे छोटे छेद देख रहे होंगे, मैम आप इसमें छोटे छोटे छेद देख रही हैं? हाँ जी। इसके इस सैनिटरी पैड के सारे लेयर्स एकदम ब्रीदेबल है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे छेद है इसके, सारे लेयर इसके ब्रीदेबल है, ठीक है? उस वाले सैनिटरी पैड में आपने एक ब्लू कलर का डिजाइन देखा था, इसमें आपने एक चिप देखेंगे, राइट? तो ये वाला चिप मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, ये क्या काम करता है। उसके बाद हमने ये सैनिटरी पैड को लिया, मैंने इसको यहां से ऐसे हटाया और इसको ऐसे पलट दिया, क्योंकि ये तीन चार लेयर्स के अंदर फोल्ड करके डाला गया है, आपने ऐसे उसके लेयर्स को हटाना है, ठीक है? फिर इसके ऊपर भी एक पतला सा थिन लेयर रखी गई है, वो भी ब्रीदेबल है, ठीक है? मैम आपको इसमें छेद दिख रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। ये वाली लेयर भी इसकी पूरी तरह से ब्रीदेबल है, ठीक है? कॉटन की बनी है, सर्जिकल ग्रेड का कॉटन इसके अंदर यूज हुआ है, ठीक है? उसके बाद में ये जेल है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाना है, उससे पूछना है कि मैम आपको, आप इसको टच करके देखिए आपको गीला लग रहा है कि नहीं, इसमें पानी आया आपके हाथ में? नहीं नहीं, पानी नहीं आया। ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। तो इसमें इसमें आपको ऐसे करके अपने गेस्ट को दिखाना है कि देखिए ये आपको इसमें से पानी बाहर नहीं है, बट ये क्या है कि ठंडा लग रहा है आपको, इसकी लॉकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और ये आप ये सैनिटरी पैड का जो जेल है आप इसको फेस स्क्रब, हेयर स्पा, फुल बॉडी स्क्रब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा स्क्रब लेंगे और आप अपने गेस्ट के एक हाथ से करके, मैम आप पहले मुझे अपने दोनों हाथ कंपेयर करा दीजिए, देखिए मैंने ऐसे मैम के देखे दोनों हाथ, ठीक है? अब मैं एक हाथ पे थोड़ा सा ये स्क्रब करूंगी, ये टैनिंग को भी हटाता है। आप इसको फुल बॉडी स्क्रब के तौर पे यूज कर सकते हैं, शैम्पू में मिक्स करके आप इसको हेयर स्पा के तौर पे यूज कर सकते हैं, फेस स्क्रब, बॉडी स्क्रब, आप इसको कैसे भी। इसके अलावा अगर घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई जल जाता है, चाहे दूध तेल में किसी में कोई जल जाता है, अगर आपके पास ये सैनिटरी पैड है तो आप फटाक से इसको गीला करेंगे और विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर अगर आपने उस बंदे को ये जेल लगा दिया तो उसको फूलेगा नहीं वहां पर, है
एंड आई कैन बेट ऑन दिस, ये मेरे साथ में कम से कम 3 बार हो चुका है। मैम आप मेरे को एक तो आप ये बताइए कि इसकी टैनिंग में आपको थोड़ा सा भी फर्क आया है तो ही बताइएगा। ये देखिए ये कैसे स्किन डेड स्किन निकल रहा है। मैं निकाल ही दूँ, अब बात कर रहे हैं तो निकाल ही दूँ। ये चेक करके बताइए दोनों हाथों में, लगा आपको डिफरेंस? सच बोल रही हैं? हाँ सच बोल रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको पैसे दे के तो नहीं बिठाया? नहीं पैसे दे के नहीं उठाया। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन दिखा रहे हैं तो एक बार को फिर भी गड़बड़ हो सकते कि ये इनका बंदा है क्या। जब आप कहीं एकदम से गए हैं, बहुत सारे लोग वहां पर हैं, किसी ने आपको इनवाइट किया है, तो अगर आप इस तरह से करके दिखाएंगे तो लोग सामने विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं, राइट? तो मैंने आपको दिखाया था कि 60 ml पानी मैंने उसमें डाला था। अभी क्या है, मैंने 60 ml पानी फिर से लिया, हालांकि इतना पीरियड्स किसी को होता नहीं है, बट ये आपको सेफ साइड के लिए, मान लिया आप कहीं पार्टी में गए हैं, स्कूल में गए हैं, किसी रीजन से ट्रैफिक में फंस गए, आप चेंज नहीं कर पाए, तो सेफ साइड के लिए है। तो मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि इस सैनिटरी पैड को भी आप सिर्फ 12 आवर्स के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ये चिप है ये 12 आवर्स के लिए एक्टिवेट रहती है। ठीक है, पीरियड्स में जो बदबू का प्रॉब्लम होता है ना, वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि क्या बोलते हैं, हमने पैड पहन लिया, ऊपर से पैंटी पहना, फिर आपने जीन्स पहन लिया, ऊपर से कुर्ता भी ढक गया, तो हवा पहुंचता नहीं है। तो इस वाले सैनिटरी पैड में ये जो चिप डाला गया है ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, राइट? तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज करता है ये 12 घंटे के लिए करता है। तो अगर आप किसी रीजन से फंस गए, राइट, तो भी आप सेफ हैं कि नहीं, हम ये अभी देखेंगे। तो आपने ये सारा का सारा जेल उठाना है और इस 60 ml पानी में फिर से डाल देना। ठीक है, अब आपको ऐसे करके दिखाना है। ठीक है जी, फिर आपको ना पूरा ग्लास ऐसे पलट देना, फिर पूछना है कि क्या आपको इसमें से पानी निकलता नजर आ रहा है। नहीं, इतना पीरियड किसी को होता नहीं है, स्टिल अगर आप कहीं फंस गए तो आप सेफ हैं, आपके कपड़ों में स्टेन नहीं आएगा। मैम कहीं से आपको गीला लग रहा है, पानी निकलता नजर आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा। अगर मैं चाहूँ ना इसमें थोड़ा सा और डाल सकती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप इसको 24 घंटे यूज करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन आप इसको 12 घंटे ही यूज करेंगे, क्योंकि पैड में सारा सबसे बड़ा खेल होता है ऑक्सीजन का, ताकि बदबू ना आए। बदबू इस ठीक है, आदमी फिर भी बियर कर लेगा, बट क्या है, वो जो बैक्टीरिया है, जो बदबू वाला बैक्टीरिया, वो बाद में आपकी बॉडी में अंदर एंटर करेगा, वही आपको बीमार करता है। तो जिस बीमारी से हमको बचना है, हमको पीरियड्स में ये नहीं सोचना ये पैड खराब नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल 3rd डे की बात हम करते हैं तो हमको पीरियड्स थोड़ा नॉर्मल आता है, तो हमको ये नहीं सोचना ये पैड अभी गंदा नहीं हुआ, मैं इसको और चला लूँ, है ना, मेरा 10 रुपया बच जाएगा। डोंट डू दिस प्लीज। 12 घंटे बाद आपको सैनिटरी पैड चेंज करना प्लीज। ठीक है, तो ये मैंने इसमें और डाला, ये इसमें से कहीं पानी नहीं निकलेगा, राइट? अब इसके अंदर एक और छोटी सी लेयर है, ये भी ब्रीदेबल है पूरी तरह से, एकदम पतला, पतले पतले लेयर्स लगाए गए हैं, ब्रीदेबल है एकदम से। ठीक है, फिर इसकी ये इसमें से हट भी नहीं रही है, बहुत पतली लेयर लगाई गई है, ब्रीदेबल है। ठीक है, ये है आपका सर्जिकल ग्रेड का कॉटन। ठीक है जी, मैम आपको ये गीला लग रहा है? नहीं, पूरा पैड एकदम गीला। आपने आज से पहले ना कभी फील ही नहीं किया होगा कि मतलब इतना सूखा पीरियड, मतलब पीरियड आया और चला गया। इसको बोलते हैं हैप्पी पीरियड्स, मैं बोलती हूँ हैप्पी पीरियड्स। पीरियड्स के अलावा जो दिन होते हैं आप वैसे ही मजे में मस्ती करोगे अगर आप ये वाला सैनिटरी पैड यूज करते हो तो। अब बात आती है लास्ट लेयर की। मैम आपको इसमें 4-5 लाइनें नजर आ रही है, इसके अंदर ना आपको 4-5 लाइनें नजर आएंगी, ये आप अपने गेस्ट को दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप उनको बोलेंगे कि आप लोगों ने कोविड के दौरान किसी ने मास्क धोया है? किसी ने मास्क धोया है तो उसमें ऐसे पानी भरा होगा, तो पानी बिल्कुल पार नहीं हुआ होगा, पर हवा तो पार होती है। तो ये वही N95 मास्क के में जो कपड़ा यूज किया गया था वही इसके अंदर भी यूज किया गया। तो ये पहली बात तो इसका इतना अच्छा कैपेसिटी है लॉकिंग का कि लीकेज होता ही नहीं है, बट अगर किसी को बहुत ही ज्यादा हैवी पीरियड्स है तो लीकेज होगा नहीं, क्योंकि ये ब्रीदेबल तो है बट इसमें से पानी बाहर नहीं आता। ठीक है जी,
अब हम बात करेंगे पीरियड्स के दौरान किस किस ने मूड स्विंग्स फेस किया है, सर में दर्द, कमर में दर्द, थकान, किस किस ने यूज किया। आपको अपने गेस्ट को पूछना है और हैंड रेज करवाना है, ठीक है। वहां पर कुछ लोग होंगे जिन्होंने फेस किया है, जिन्होंने नहीं फेस किया है कोई बात नहीं, जिन्होंने फेस किया है फिर आपको उनको बुला लेना है कि आज के बाद आपको ये मूड स्विंग्स और ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसके लिए मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगी, ठीक है। फिर आपको अपने गेस्ट को बुला लेना है, ठीक है। मैम आप वहां पर आ जाइए। चलिए यहाँ पर एक पर लोग बताएंगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गैस, ठीक है। मैं ये सब एक बार, ठीक है। आपको अपने अपने गेस्ट को बोलना है कि मैम आप ना अच्छे से अपने आप को तन के खड़े हो जाए, मैं ना आपको ऐसे नीचे गिराऊंगी। मैं आपको फ्रेंड्स आपको ना ऐसे समझाना है अपने गेस्ट को कि मैं आपको ऐसे नीचे गिराने की कोशिश करूंगी, आपको अपना पूरा वेट कंट्रोल करना है, आपको ट्राई करना है कि मैं आपको मतलब आपको गिरा ना पाऊं। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हम लोग बस ये देखेंगे कि आप एक मिनट में गिरते हैं, आधा मिनट में गिरते हैं, 20 सेकेंड्स में गिरते हैं। हम लोग सिर्फ ये चेक करेंगे, आपको इस तरह से बताना, कोई कंपटीशन नहीं है। आपको उनसे पूछ लेना आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं खींच लूं, ठीक है। मैम ने बोला नहीं, तो आप लोगों को भी ये सारी चीजें ध्यान रखनी, ऐसा नहीं है एक्साइटमेंट में धम धम काम कर देना, राइट। तो हमने अपने गेस्ट को समझाया जैसे मैं समझा रही। मैम आप ना अच्छे से दोनों पैर जोड़ लीजिए, दोनों पैर जोड़ लीजिए, अच्छे से खड़े होना, मैं आपको नीचे झुकाऊंगी, आपको ट्राई करना है कि मैं आपको झुकाना, ओके। कोई कंपटीशन नहीं है, हम लोग आपको उधर नहीं भागना, मैं आपको नीचे गिराऊंगी, मैं ऐसे नहीं खींचूंगी, ठीक है। कोई कंपटीशन नहीं है, हम देखेंगे कितनी देर में आपको हम झुका पाते हैं, राइट। मैं थ्री के बाद आपको झुकाऊंगी, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, 1 2 3 फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। मैं मैम को झुका पाई, ओके फ्रेंड्स। देन आपको क्या करना है कि ये चिप लेना है, ये चिप लेना है और उनके हाथ पे लगा देना, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि अभी हम एक मिनट के लिए वेट करें, क्योंकि ये चिप एक मिनट लेती है अपना काम करने में, ठीक है। तो उसके बाद आप बीच में क्या कर सकते हैं, जब तक गेस्ट खड़ा है आप उनको दिखा सकते हैं कि हमारे सारे ही सैनिटरी पैड के पैकेट्स में, इसमें हमारे पास में 3 वेरियंट आता है। एक होता है पेंटी लाइनर, छोटा, इसमें छोटा सा सैनिटरी पैड जैसा होता है, उसमें भी चिप होता है, सारी चीजें होती है, बस वो पीरियड्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जेल नहीं है। इसके अलावा पूरे 8 के 8 लेयर बिल्कुल सेम है। ये होता है पेंटी लाइनर, दिख नहीं रहा होगा, ये होता है पेंटी लाइनर जो 30 डेज के लिए, इसमें 30 पीसेज आते हैं। और इस वाले पेंटी लाइनर के अंदर भी एक सेल्फ इन्फेक्शन टेस्ट किट होती है, ठीक है। किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम या येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, या फिर जो लोग जो वर्किंग है लोग है ना, वो कॉमन वॉशरूम यूज करते हैं। अगर हम घर की भी बात करें, मान लें फॉर एग्जांपल मैं मेरे घर की बात करती हूँ, तो हमारे घर में 4 लोग हैं, तो 3 लड़के हैं और मैं अकेले लड़की हूँ, तो लड़कियों का थोड़ा वाइड एरिया होता है, तो लड़कियों को ना लड़कों के कंपेरिजन में जल्दी इन्फेक्शन आता है, राइट। तो मान लें हस्बैंड वर्किंग है, ठीक है, तो वो जाते हैं, तो वो कहीं से इन्फेक्शन कैरी करके ला रहे हैं। मान लिया उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको उस इन्फेक्शन ने इन्फेक्ट नहीं करा, अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है और उस इन्फेक्शन ने मुझे इन्फेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या, अगर आप ये वाला पेंटी लाइनर डेली में यूज करेंगे, तो एक तो मैं जो इनपे मैं डेमो करके दिखा रही हूँ आपको, एक तो आप उस चीज से बचेंगे, वो मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, वरना आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा और मैं कहूंगी कि मिस्ट्री क्या बोलते हैं उसको, रहस्य, जो मैं आपको एक रहस्य दिखाने वाली हूँ वो खत्म हो जाएगा। एक तो आप उस चीज से बचेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा आपको कोई इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन पकड़ भी लिया, तो जैसे ही आप अपना पैंट ऊपर करेंगे, आपने पेंटी लाइनर पहना होगा, वो बैक्टीरिया वहीं पर किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने आप को हमेशा प्रिवेंट कर सकते हैं, इसमें 30 पीसेज आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक वेरियंट होता है 8 8, इसमें 8 पीसेज होते हैं, इसको एक्टिव ऑक्सीजन स्मार्ट सैनिटरी पैड बोलते हैं, जिसपे मैंने आपको डेमो दिखाया। इसके अलावा हमारे पास में एक वेरिएंट और है जिसमें 10 पीसेज होते हैं, इसका नाम डे यूज है, बस इसमें छोटा सा लाइक आधा इंच का लंबाई में डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये हमने इसलिए रखा हुआ क्योंकि कुछ लोगों का एक साइकोलॉजिकल होता है ना कि भाई मैं तो बड़ा पैड यूज करूंगी, मेरे को स्ट्रेन आ गया, तो है ना, तो उस वजह से है ये वाला बड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपको अपने कस्टमर को यही देना है, क्लाइंट को यही देना है, जब वो यूज्ड हो जाएगा तो आप उसको ये सैनिटरी पैड भी दे सकते हैं।
अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले मैंने ये यूज किया था और आज के डेट में मैं सिर्फ ये यूज करता हूँ, क्योंकि इसका लॉकिंग इतना अच्छा है ना कि हमारा जितना वाइड एरिया फिर भी ऊपर वाला नीचे वाला तो मेरा रह ही जाता है, तो ये पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता क्योंकि इसका लॉकिंग इतना अच्छा है, जहां पर ड्रॉप गिरेगा वहीं पर लॉक, जहां ड्रॉप गिरेगा वहीं पर लॉक, ठीक है। आपको ये सारी चीजें बतानी, इसके अलावा किसी भी बंदे को कोई भी हेल्थ इशू एक दिन में तो आता नहीं, ठीक है, चाहे वो बड़ा हेल्थ इशू हो चाहे वो छोटा हेल्थ इशू, तो इससे आपका रूटीन चेकअप हो जाएगा। ये है एरीज की वजाइनल हेल्थ इंफेक्शन टेस्ट किट, ठीक है। तो ये वाली टेस्ट किट है, आपको ये सभी पैकेट्स के अंदर एक एक मिलता है। तो अगर मान लिया आप सैनिटरी पैड यूज कर रहे हो, पेंटी लाइनर यूज कर रहे हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, ऐसा नहीं है आपको कोई हेल्थ इशू है तभी आपको चेक करना, रूटीन चेकअप करना। आप महीने में एक सैनिटरी पैड का पैकेट ले रहे हैं तो उसमें निकला है, अब उसको रख के तो कुछ फायदा नहीं है, राइट, उसको यूज कर लो, कम से कम आपका रूटीन चेकअप होता रहेगा, पता चलता रहेगा कि आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं होने वाला है। तो जब आपको यूज करना है तभी आपको एक खोलना है, ठीक है। उसमें इसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी, इसके अंदर आपको तीन चीजें मिलेंगी, एक स्वैब मिलेगा, एक ये लिटमस पेपर मिलेगा और एक ये रीडिंग कार्ड मिलेगा, राइट। तो आपको तरह से अपने गेस्ट को समझाना है कि अगर आपको चेक करना है इस पे, आपको इस स्वैब पे आपको वजाइनल फ्लूड लेना है, ठीक है, यूरिन भी ले सकते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज येलो डिस्चार्ज जो भी है आपको वो ले सकते हैं, और ये जो पेपर है ना ये गीला होना चाहिए, ठीक है। जब ये गीला हो जाएगा तो आपको फिर इससे मैच करना है, और ऐसा नहीं है आपने इसको टेस्ट किया और रख के भूल गए चले गए, फिर बाद में आकर देखा सब उड़ गया, तो आपके पास जब समय हो कम से कम 2 मिनट का तभी आप टेस्ट कीजिएगा, राइट। तो आपको कंटिन्यूअसली 2 मिनट्स तक इसको मॉनिटर करना है, अगर इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम हेल्दी हो। अगर इसके कलर में स्लाइट थोड़ा हल्का सा ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है तो आपको लाइट सा इन्फेक्शन है, जो आप नॉर्मली मार्केट के पैड छोड़ करके कोई अच्छे ब्रांड का सैनिटरी पैड, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको कोई और पसंद है वो भी यूज कर सकते हैं, बस उसमें प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, राइट, और उसका आप देख लेना कि कैसे कैसे वो बना हुआ है। तो आप ये इसके लिए आप ये सिर्फ सैनिटरी पैड से आपका ठीक हो जाएगा, बट अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क कलर आ रहा है तो उस केस में ना आपको संभल जाने की जरूरत है, आपको आपको अपने गायनी को दिखाना है, वो हमसे कॉन्टेक्ट करना है, किसी को भी करना, मतलब आपको फिर शांति से बैठना नहीं है, आपको दिखा लेना है कि भैया मेरे को ये क्या हेल्थ इशू। कोई भी इशू धीरे 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 करके बड़ा होता है, क्या आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा हो जाए तभी है। तो आपको इस तरह से इसके बारे में समझाना, उसके बाद हम फिर से इस वाले पे आ जाएंगे, ठीक है मैम। अभी मैं आपको ना फिर से ट्राई करूंगी, पैर जोड़ लीजिए और मैं आपको फिर से ट्राई करूंगी कि मैं आपको कितनी देर में गिरा पाती हूँ, ओके। 1 2 3 आपको इस तरह से पूरा लटक जाना, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अभी मैम के पास चिप है, ठीक है, तो ये जो मैम जो झुक नहीं पाई, ये ऐसा नहीं है कि इस चिप ने इनको अलग से एनर्जी दे दी, नहीं, ये इनकी अपनी एनर्जी थी, मैं दिखाती हूँ कैसे। मेरे पास ये एक मोबाइल फोन है, ठीक है, मैंने इसको ऑन किया, मैम के पास चिप है, आपको मोबाइल फोन के साथ भी उनको दिखाना, सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए उनके कान पे यहाँ पर या कमर पे आप थोड़ा सा रख सकते हैं 10 सेकेंड्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट 10 सेकेंड्स इज इनफ, ठीक है। अभी हम फिर से ट्राई करते हैं कि कोई चेंजेस आया कि नहीं, देखते हैं, ठीक है, ठीक है मैम, फिर से ट्राई करें, 1 2 3, ठीक है। अभी आपको फिर एक और डेमोन्स्ट्रेशन करना है कि वो चिप हटा देना है, ठीक है, फिर से आपको 10 सेकेंड्स के लिए मोबाइल यूज करना है। भाई ठीक है, फोन ऑन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। 10 सेकेंड्स के लिए हम फिर से इनके कान पे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट 10 सेकेंड्स इनफ, यहाँ पर कहीं पर भी आप यूज कर, सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए आपने लगाना। नाउ वी विल अगेन सी कि कोई डिफरेंस आया कि नहीं, ठीक है मैम, अच्छे से कंट्रोल करना क्योंकि मुझे पता है मैं गिरा दूंगी, ठीक है, पर आप पूरी जान लगाना कि मैं आपको अब की बार गिरा लूं, उधर नहीं भागना है,
सिर्फ हम ये देखेंगे कि कितनी देर में आप झुक पाएंगे, ठीक है? 1 2 3 फिर से ट्राई करते हैं। मैं नीचे कोई झुका रही हूँ ना, आपको कोई चेंजेस तो नहीं है? 1 2 3 फिर आप अपने मैम आ जाइए, फिर आप अपने गेस्ट से पूछेंगे कि कोई चेंजेस तो नहीं है? मैम आप बताइए बिल्कुल ईमानदारी, मैंने हर बार आपको सेम प्रोसीजर से खींचा था, आपको फर्क नजर आया? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका कि क्या बोलते हैं, आपने इस तरह से अपना चिप का डेमो कर दिया। फिर आप उनको समझा सकते हैं कि ये जो हमने बोला था ना, इस चिप के अंदर है एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, तो एक्टिव ऑक्सीजन क्या करेगा, बदबू नहीं आने देगा। नेगेटिव आयन क्या होता है कि हम लोग मोबाइल के रेडिएशन से, टावर के रेडिएशन से, इन सब से एक्सपोज है, तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, नेगेटिव आयन्स बनाती है, ठीक है, टू रिपेल इट, क्योंकि नेगेटिव आयन्स ही है ये सारे चीजें, और ये जो हमारा जो चिप है ये भी नेगेटिव आयन रिलीज करता है, तो नेगेटिव आयन आपस में रिपेल करेगा, अगर प्लस माइनस होता तो अटैच करता, अदरवाइज रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा, बट ये कर तो नहीं पाता है। तो हमारी बॉडी की जो 70% एनर्जी है ना, वो अपने आप को इन चीजों से, एक्सपोजर से बचाने में लगी रहती है, ठीक है? तो अगर आपके पास में ये चिप होगा तो आपको जो फिर जो थकान महसूस होती है वो सारी महसूस होती है, एक तो वो उसकी होती है कि ये इतने सारे रेडिएशन है, ठीक है, ऊपर से एनर्जी नहीं रहती है। तो अगर आप इस वाले सैनिटरी पैड को यूज करते हैं, इसके अंदर जो पेंटी लाइनर आप उसको यूज करते हैं, एटलीस्ट मोबाइल के रेडिएशन से आप बचे रहोगे, ठीक है। इसके अलावा अब किसी को लगेगा यार क्या बोलते हैं, लड़कियां तो ये यूज कर ले, तो लड़के क्या करें, तो मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, मैं दोनों चीजें यूज करती हूँ, मतलब मेरे को चाहिए वो एकदम भारी वाला प्रिवेंशन, कुछ हो ही ना जाए जरा सा भी, तो आप ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, इसके भी सेम बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर टाइटेनियम, जर्मेनियम और अर्थ मैग्नेट है, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखाएंगे थोड़ी बहुत देर में। सो ये था हमारा सारा का सारा। तो इस तरह से आप चिप के बारे में, इन्फेक्शन टेस्ट किट के बारे में, आपके पास में कितने पैड के वेरियंट्स है, उस सब के बारे में, ठीक है। और अभी तो हमारे पास में ना एक फेमे फ्रेश भी आ गया है, तो पहले जिन लोगों ने वी वॉश यूज करा है ना, उन लोगों को तो आप बस ये एक बार ही दे देना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी अगर आप इसको दे देते हैं ना, तो वो थ्रू आउट ये ही यूज करेंगे। वी वॉश वालों का तो मतलब खुला चैलेंज है मेरी तरफ से, ठीक है, जिन्होंने वी वॉश यूज करा उनको ये बहुत पसंद आए। इसके अलावा वी वॉश से कोई अच्छा ब्रांड है तो मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने वो ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं भी वी वॉश यूज करती थी इससे पहले, ठीक है, आप इसके बारे में बोल सकते हैं। सो ये रहा हमारा सेंट्रीपैड। उसके बाद आप अपने गेस्ट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कोई इसके अलावा इस सेशन में जो आपने देखा, आपका कोई सवाल है तो पूछो, या आप पूछ सकते हैं आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो मैं मैम से पूछूं, मैम आपको सारे चीजें आपने देखी, आपको क्या क्या अच्छा लगा, जरूरी नहीं है कि बताओ, जो जो अच्छा लगा वो बताओ, जो नहीं लगा वो। मुझे एक ये एलर्जी वाला अच्छा लगा है, जो गीलापन नहीं है और खुदरापन नहीं है उसके अंदर, उसकी वजह से आपको रैशेज नहीं होंगे। इसके अलावा और उसकी वो चीज वो यही वाला सारे ये अच्छी लगा है, और इसके अंदर जो इन्फेक्शन टेस्ट किट है वो भी ठीक है, क्योंकि इससे आप अपने आप को रूटीन चेकअप कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपको थकान नहीं होगी, बदबू नहीं आएगी, ठीक है। आप तो मुझे वाइट डिस्चार्ज वाला दे देना। हाँ पक्का, ले जाना, ले क्या जाना, ले जाओ ये वाला ले जाना, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इन मैम को आज पहली बार बुलाया, ठीक है, तो इन्होंने साथ के साथ में ये ले लिया, तो फिर आप अपने गेस्ट को इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ये वाला डेमो हमारा कंप्लीट हो गया है। मैम अकेले ये नाजिया मैम का कोई क्वेश्चन है, उनसे क्वेश्चन। हाँ श्योर मैम, प्लीज प्लीज। हाँ जी मैम पूछिए, एक मिनट देना, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, सो सॉरी जी मैम। अगर आपको कुछ काम है तो चले जाओ, वरना हम कुछ और भी दिखाते। काम है तो चले जाओ, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं आपसे बात कर लूँ, ठीक है, ले जाओ आप। हाँ मैम अनम्यूट करिए, नाजिया मैम। नाजिया मैम अभी सीट पे नहीं है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हेलो, या नाजिया हियर। Yeah, ma'am, please tell me. I have few questions. Yeah, sure. Wait, there's somebody come up in our house. That too.
ओके नाउ आई हर्ड दैट यू सेड दैट दिस कैन बी यूज फॉर 12 आवर्स ओके वन एंड सिंस देयर आर 24 आवर्स यू आर सेइंग इट्स सेफ टू यूज टू करेक्ट इट्स सेफ प्लीज या See, you said that you can, we can hold this for 12 hours, one piece, correct? Yes. So since there are 24 hours, we have to use two. So is yeah. it safe? Is it safe to use two numbers for the entire day? So, ma'am, so aapne ek piece use kara 12 hours ke liye. Dusra piece use kara 12 hours ke liye. Yes, it is safe. Okay. Okay, good. Good to go. There is another question that I had. बाकी सैनिटरी पैड्स की अगर आप बात करें तो why with they used to say you have to change it for like after 4 hours or 5 hours because उसकी कैपेसिटी उतनी है अदरवाइज उसमें बैक्टीरिया बनने लग जाता है ये वाला पैड 12 hours यूज हो सकता है ड्यू टू दिस चिप ओनली अगर इसके अंदर ये चिप नहीं होता तो ये भी बाकी मार्केट के सैनिटरी पैड की तरह 4 घंटा ही यूज कर सकते थे क्योंकि ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रहा ना कहीं से Okay, how does it help the mood swings? मूड स्विंग्स में इसलिए हेल्प करता है ये क्योंकि ये जो चिप है ना मैम ये ऑक्सीजन रिलीज करता है ठीक है तो ये वजाइनल हेल्थ को अच्छा करता है तो मूड स्विंग्स जो है अगर मूड स्विंग्स प्रॉब्लम होता थ्रू आउट द डे तो वो सिर्फ पीरियड्स में नहीं होता ठीक है अगर सिर्फ पीरियड्स में मूड स्विंग्स हो रहा है तो वो होता है कि आपको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही आप इरिटेट हो रहे हो आपका मूड खराब हो रहा है तो वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी वजाइनल हेल्थ इज नॉट गोइंग गुड गाइनी सिस्टम आपका परेशान हो रहा है इसलिए आपको सिर्फ उन्हीं 3-4 दिन में मूड स्विंग्स होते हैं हाँ, करेक्ट तो ये हेल्प करता है अगर मान लिया किसी को रसोली गांठ सिस्ट वगैरह है तो ये उसको भी ठीक करता है क्यों करता है क्योंकि वो सारे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है तो नहीं व्हाट इज रसोली गांठ रसोली इज यू कैन से दैट फॉलिकल्स टेस्ट पीसीओडी पीसीओएस के जो सिम्टम्स होते हैं फ्लैश की गांठ हो जाती है ओके 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 फॉलिकल्स का ही एक बड़ा वाला पार्ट है वो ओके ओके और आपने और एक बात कही थी कि इफ देयर इज सपोजिंग द आफ्टर नाइट Some women before they start bleeding, like first day, the discharge is black in color for some women, okay, or brownish in color. So, is there anything in this particular pad which can change the color or it detects something? सिर्फ पैड उस कलर को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका आपके गायनी सिस्टम का प्रॉब्लम है वो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है देर कुड बी सम अनदर रीजंस तो उसके लिए हमारे पास एक एक्यूलाइफ मशीन है बाय विच वी कैन टेस्ट यू आपके बिना बताए कि आपको और क्या हेल्थ इश्यू है या आपका ये प्रॉब्लम कहां से आ रहा है ओके ओके फाइन गुड टू गो थैंक यू जैसे आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ी हुई है उसको भी अच्छा करता है क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करता है वो जो गांठे होती है फॉलिकल्स होते हैं उसको भी ये नॉर्मली धीरे धीरे घोल कर निकाल देता है क्योंकि ये क्या ऑक्सीजन देता है और ये उनको ऑक्सीजन मिल जाती है सेल्स को तो ये क्या बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ओके एंटीऑक्सीडेंट ठीक है थैंक यू वेरी मच ये किसी और का कोई क्वेश्चन है तो